हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ इट के रूल नंबर 4 के बारे में। यानी आपको इस वीडियो लेक्चर में ये बताया जाएगा कि इट का यूज हम और किस तरह से कर सकते हैं रूल नंबर 4 में। देखिए, ये यूज ऑफ इट का पार्ट नंबर 3 का वीडियो है। इसके पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपने अभी तक वीडियो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को नहीं देखा है तो देखिए, उस वीडियो का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि यूज ऑफ इट रूल नंबर 4 क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले मैं ये पूरा फॉर्मेशन बताने से पहले मैं जरा आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। यानी कुछ सेंटेंस लिखा गया है, इस सेंटेंस से मैं आपको पहले रूबरू करवाता हूँ। देखिए, सेंटेंस क्या है, वर्षा हो रही है। दूसरा क्या है, गर्मी पड़ रही थी, ठंडी पड़ रही थी, बर्फ गिर रहा था, अंधेरा हो रहा था। मान लीजिए आपको इस तरह के सेंटेंस को बोलने की जरूरत हो या जरूरत पड़ती है। जब हम किसी से कन्वर्जेशन करते हैं तो क्या होता है, इस तरह के सेंटेंस को बोलने की जरूरत हमें पड़ती है। तो आखिर किस तरह से हम इस सेंटेंस को बोलेंगे, कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये बोलना हो वर्षा हो रही है या गर्मी पड़ रही थी, तो आखिर क्या रोल होगा सेंटेंस को बनाने का। चलिए अब हम आपको अभी ये सेंटेंस बताते हैं, इससे पहले यहाँ पे लेके चलते हैं। देखिए, जब आपके सेंटेंस में इस तरह का सेंस बन के आएगा कि वर्षा हो रही है, तो वर्षा होना के लिए आपको किसका यूज करना है, रेन का, और गर्मी पड़ने के लिए आपको किसका यूज करना है, गेट हॉट का, और ठंडी पड़ने के लिए गेट कोल्ड, बर्फ गिरने के लिए फॉल आइस, अंधेरा होने के लिए गेट डार्क, और सुबह या शाम होने के लिए आप गेट मॉर्निंग या गेट इवनिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए सेंटेंस पे चलते हैं कि सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, यानी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, आप जानते हैं हमें सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की। अगर हम इन सभी सेंटेंस में ये देखें कि सब्जेक्ट क्या है, तो ये मैं यानी हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इट का यूज करना पड़ता है, किसके तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे। यहाँ पे आपको बताया गया है रूल नंबर 4 में कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप इट का यूज करेंगे, किसके तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे। तो चलिए हम इन सभी सेंटेंस को बनाते हैं इट को क्या मान के, यानी इट को सब्जेक्ट के तौर पे रख के। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर इस सेंटेंस को बनाया जाए तो सबसे पहले आप इट का यूज करेंगे, उसके बाद ये देखिए कौन सा यानी किस टेंस का ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कैसे बनता है। आप लोग सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करते हैं, इज एम आर का। इट के साथ किसका यूज किया जाता है, इज का। उसके बाद वर्षा होना, तो वर्षा होने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेन का। और रन की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, रेनिंग। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। गर्मी पड़ रही थी, तो आपको क्या करना है, इट वाज। गर्मी पड़ने के लिए यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है गेट हॉट, तो गेटिंग, गेटिंग हॉट। ये देखिए, ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठंडी पड़ रही थी, इस सेंटेंस को बनाएंगे इट वाज। ठंडी पड़ने के लिए गेट कोल्ड का यूज किया जाता है, तो हो जाएगा गेटिंग, गेटिंग कोल्ड। इट वॉज गेटिंग कोल्ड। बर्फ गिर रहा था, तो कैसे बनाएंगे, इट वॉज। बर्फ गिरने के लिए फॉल आइस, तो फॉलिंग, फॉलिंग आइस। बर्फ गिर रहा था, अंधेरा हो रहा था, इट अंधेरा हो रहा है, सॉरी अंधेरा हो रहा है, तो इट इज गेटिंग, इट इज गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया। तो अगर इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए या बोलने के लिए आपके सामने आता है, तो आप उस सेंटेंस को बहुत ही इजिली बना सकते हैं, किसके यूज से, इट के यूज से। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां जहां पे आपने गेट का यूज किया है होने के लिए या पढ़ने के लिए, वहां वहां पे आप गेट के जगह पे बी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए,
गर्मी पड़ रही थी तो आपने क्या बनाया है? इट वॉज गेटिंग हॉट। इस सेंटेंस को इस तरह से भी बनाया जा सकता है, अगर हम गेट की जगह पे बी का यूज करें तो क्या हो जाएगा, इट वॉज बीइंग हॉट, यानी गर्मी पड़ रही थी या गर्मी हो रही थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि इट का यूज रूल नंबर 4 का क्या कहता है, यानी इट का यूज हम कैसे करते हैं इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। अब चलिए हम रूल नंबर 5 पे चलते हैं, देखते हैं कि इट का रूल नंबर 5 क्या कहता है। चलिए अब हम देखते हैं यूज ऑफ इट के रूल नंबर 5 को, कि रूल नंबर 5 क्या कहता है इट के बारे में, यानी इट का यूज और हम कहां पे करते हैं। तो देखिए, इट का यूज रूल नंबर 5 ये कहता है कि इट का यूज समय लगने में, यानी अगर आपके सेंटेंस में समय लगने के लिए आ रहा है या समय लगने में बताया गया है तो उस सेंटेंस को भी आप इट से बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल क्या है कि 10 मिनट लगते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में समय लगने के लिए बताया जा रहा है या समय लगने का सेंस आ रहा है तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए आप इट का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 10 मिनट लगते हैं। मान लीजिए ये सेंटेंस इस तरह से ना हो के बल्कि ये होता कि मुझे 10 मिनट लगते हैं। तो देखिए इन दोनों सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, दोनों सेंटेंस में समय लगने के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए समय लगने के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे भी समय लगने के बारे में बात हो रहा है। इस सेंटेंस को बनाने से पहले मैं इस सेंटेंस को बनाना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इट का यूज बहुत ही आवश्यक है करने के लिए, यानी इट का यूज करना पड़ेगा इस सेंटेंस को बनाने के लिए। तो देखिए कैसे किया जाएगा यूज इट का इस सेंटेंस को बनाने के लिए। देखिए इसके पहले मैं आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको किसका यूज करना होगा, इट का यूज करना होगा, किसके तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी आपका सेंटेंस जिस भी टेंस में रहेगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब। और एक चीज और आप ये ध्यान रखेंगे कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप टेक का यूज करेंगे मेन वर्ब की तरह, यानी मुख्य क्रिया की तरह आप टेक का यूज करेंगे इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। उसके बाद जो भी टाइम होगा वो टाइम लिखेंगे, और अगर जिस भी व्यक्ति को समय लगा होगा उस व्यक्ति को यहाँ पे लिखेंगे टू लगाने के बाद। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिस व्यक्ति को कुछ करने में समय लगा होगा वहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। अभी मैं सारा बताऊंगा आपको क्या इसका फैक्ट है। तो देखिए पहले हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। 10 मिनट लगते हैं, देखिए इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें यहाँ पे भी इट का यूज एज अ सब्जेक्ट करना होगा, यानी सब्जेक्ट के तौर पे करना होगा। तो हमने क्या बताया है कि इट का यूज सब्जेक्ट के तौर पे करिए। उसके बाद देखिए ये सेंटेंस हमारा किस टेंस का है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का है। क्यों है? क्योंकि देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है, आया है, तो इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब होता नहीं, हम क्या करते हैं डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद जो मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ब के साथ यस या यस का यूज करते हैं। तो देखिए इट ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये मेन वर्ब है तो इट टेक्स, उसके बाद टाइम, देखिए टाइम क्या है, 10 मिनट, यानी 10 मिनट्स, 10 मिनट, इट टेक्स 10 मिनट, 10 मिनट लगते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे मुझे 10 मिनट लगते हैं तो आप कैसे बनाएंगे इसको, बनाएंगे देखिए इट क्या है, सब्जेक्ट है, इट टेक्स टेन मिनट्स। अब देखिए किसे लगते हैं, मुझे लगते हैं, तो टू मी। अगर मान लीजिए ये इस सेंटेंस को देखिए एक तरीके से और बना सकते हैं, क्या हो सकता है, देखिए मुझे 10 मिनट लगते हैं तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आई टेक टेन मिनट्स, मुझे क्या होता है, मुझे 10 मिनट लगते हैं। मान लीजिए ये सेंटेंस इस तरह से ना होके दूसरा तरीका होता, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना होता कि आलोक को स्कूल जाने में
एक घंटा लग रहा था। यहाँ पे देखिए मैं लग रहा था क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये सेंटेंस हमारा किस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। इसकी वजह से मैं थोड़ा डिफरेंस लिखना चाहता था, इसकी वजह से मैं इस सेंटेंस को थोड़ा डिफरेंस लिखा हूँ। देखिए अब इस सेंटेंस में एक चीज ये बताया गया है कि समय लगने का सेंस आया है, यानी समय लग रहा था या समय लगने के बारे में बात हो रहा है। तो सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बताया गया है कि ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करिए। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, इट, उसके बाद ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज और वर का यूज किया जाता है। उसके बाद मेन वर्ब की तरह हम किसको यूज करते हैं, टेक का, तो टेक की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, टेकिंग, इट वाज टेकिंग। अब देखिए टाइम क्या है, यहाँ पे 1 आवर्स है, यानी 1 घंटा है, तो 1 घंटे के लिए 1 आवर। उसके बाद टू अलोक, अब ये सेंटेंस सही होगा, टू अलोक। उसके बाद क्या करने में, स्कूल जाने में, तो गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ये सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर ये सेंटेंस हम इस तरह से बनाते हैं जहां पे अलोक क्या हो, सब्जेक्ट हो, तो क्या बनेगा सेंटेंस, अलोक अलोक वाज टेकिंग, अलोक वाज टेकिंग 1 आवर, 1 आवर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम टू अलोक को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से हमने देखा कि इट का यूज आप किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं, यानी इस वीडियो में आपको ये बताया गया कि यूज ऑफ इट के पार्ट नंबर 3 के वीडियो में क्या बताया, यूज ऑफ इट का रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। तो देखिए यहाँ पे इट का जो भी कॉन्सेप्ट था हमने क्लियर कर दिया।